नमस्कार दोस्तों। तो जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हम उसमें कुछ डेटा को इनपुट करते हैं तथा इनपुट को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके उसका रिजल्ट अगर पेपर में लिया जाता है प्रिंट के रूप में तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और यदि वह स्क्रीन या मॉनिटर में दिखाई देता है तब उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो कि अस्थाई होता है, और प्रिंटर प्रिंट करके जो हम लेते हैं किसी कागज में या फिल्म में तो वह स्थाई होता है। इनपुट डिवाइसेस डेटा और सूचना को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों 1 और 0 के बिट में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करती है। अब हम विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस में देखेंगे तो सबसे पहले है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ सक्रिय होकर इनपुट का कार्य कर संपन्न करते हैं। दूसरा है ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। ये ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं होते और स्वयं अपने नियंत्रण में कार्य करते हैं। उनमें से सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसमें डेटा और प्रोग्राम को कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट कराया जाता है। इसमें यूजर कीबोर्ड से निर्देश या कमांड कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करके तुरंत स्क्रीन पर दिखाता है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला एक उपकरण है। इसमें विभिन्न प्रकार के कुंजी होती है। डेटा को 1 और 0 के बिट में बदलकर कीबोर्ड 2 प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। अतः कीबोर्ड 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सीरियल कीबोर्ड जिसे हम पैरल और दूसरा है पैरेलल कीबोर्ड। कीबोर्ड में सभी प्रकार की कुंजियां होती हैं। इसमें जैसा कि हमने बताया कि टेक्स्ट के फॉर्म में भी हम इनपुट दे सकते हैं और न्यूमेरिकल डिजिट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। इंटर की किसी भी प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और यदि हम टेक्स्ट में आगे पीछे कहीं लिखते हैं तो इंटर की का इस्तेमाल नए लाइन के रूप में कर सकते हैं। कीबोर्ड में कुल 6 प्रकार के कीज होते हैं, जिनमें सबसे पहले है अल्फा न्यूमेरिक कीज। इस की के अंतर्गत अल्फाबेट की या न्यूमेरिकल की होता है, जैसे ए से जेड तक या 0 से 9 तक। इसके बाद होता है न्यूमेरिक की। इस की के अंतर्गत राइट साइड वाले नंबर कीज होते हैं और उसके साथ साथ इंटर कीज भी मौजूद होता है। इस की को लॉक या अनलॉक करने के लिए नम लॉक या बटन अवेलेबल रहता है। तीसरा होता है फंक्शन की। इस की के अंतर्गत F1 से F12 तक के की आते हैं तथा सभी की का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे F1 का इस्तेमाल हेल्प बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। चौथा है स्पेशल पर्पज कीज। यह की मल्टीमीडिया कीबोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वैसे कीबोर्ड को ही कहा जाता है जिसमें वॉल्यूम को बढ़ाने या घटाने के लिए अलग से बटन दिया होता है। इस की का उपयोग कुछ विशेष कार्य के लिए होता है, जैसे वॉल्यूम बटन। पांचवा है कर्सर मूवमेंट कीज। इसे हम एरो की भी कहते हैं। इसमें 4 एरो की होते हैं, जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट। इन सभी की का काम कर्सर को मूव कराने के लिए होता है। फिर है मॉडिफाइड की। इस की के अंतर्गत शिफ्ट कंट्रोल आल्ट कैप्स लॉक इत्यादि प्रकार के
कीज होते हैं। तो ये आपका कीबोर्ड से संबंधित हो गया। न्यूमेरिक कीपैड के दो उद्देश्य होते हैं। ऐसे कुंजियों की सहायता से कर्सर को चलाया जाता है या न्यूमेरिक कुंजियों के द्वारा तेज गति से डेटा एंट्री की जाती है। तो ये न्यूमेरिक कीपैड का सबसे बड़ा उद्देश्य है। फिर है इसके बाद माउस। माउस भी एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जिसे अब हम अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। यह समतल सतल पर रखा रहता है। इसको हिलाने से इसमें एक नीचे लगी बॉल होती है जो घूमती रहती है और इसमें छोटे छोटे रोलरों का संवेदित पार्ट लगा रहता है। यह गति डिजिटल मान में बदलकर यह व्यक्त करता है कि माउस किस दिशा में गति कर रहा है। माउस में दो या दो से अधिक बटन होते हैं जिनको दबाने से स्क्रीन पर पॉइंटर की सहायता से स्क्रीन के अवयव चुने जाते हैं। माउस के बटन को अंगुली से दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। माउस प्रायः स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है तथा यह स्क्रीन पर चित्र या ग्राफिक्स तैयार करने के काम में भी आता है। इसलिए इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह ग्राफिकल वर्क को भी परफॉर्म करता है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड बटन और राइट हैंड साइड बटन होता है। राइट हैंड साइड का बटन स्पेशल केस में यूज होता है। माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कार्डलेस माउस। इसके बाद है दोस्तों ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को अलग अलग दिशा में मूव करने के लिए किया जाता है। इसमें एक बॉल होता है जिसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं और जैसे जैसे मूव कराएंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर वैसे वैसे मूव करता है। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक स्टिक लगा होता है। इसका उपयोग डिवाइस के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसको कंट्रोल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग वीडियो गेम में होता है। जॉयस्टिक का सबसे अधिक उपयोग वीडियो गेम में करते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग होने वाला जो एरिया है वो है व्हीलचेयर, सर्विलियंस कैमरा, ट्रक्स और क्रेन्स। तो इस तरह से हमने देखा कि